बच्चों, इस नए सत्र में मैं विक्टोरिया डैनियल आप लोगों का स्वागत करती हूं। बच्चों, आप लोग को मैं संस्कृत भाग पढ़ाऊंगी जो हिंदी में आप लोगों के संस्कृत परिचायिका के नाम से इस बुक में, हिंदी बुक में संग्रहित है। बच्चों, ये विद्या पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है, इसी से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसमें बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो है वो वाराणसी का है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का प्रारंभ करने से पूर्व हम इसके कठिन शब्दों को पहले देखेंगे। बच्चों, मैं आप लोगों को कठिन शब्द पढ़ के सुनाऊंगी और उसके साथ साथ उसके अर्थ को भी बतलाते चलूंगी। बच्चों, जैसे हम उच्चारण करते हैं वैसे आप लोग भी मेरे पीछे कीजिएगा और अर्थ को भी बोलिएगा। इससे आपको उच्चारण करना भी आएगा और उसका अर्थ आपके दिमाग में बैठता जाएगा। जब हम पाठ को प्रारंभ करेंगे तो बच्चों आप लोगों को वो बहुत अच्छे से फिर समझ में आएगा। इसलिए बच्चों, आप सब जो लोग अभी तक बुक नहीं खरीदे वो लोग खरीद लें, क्योंकि बिना बुक के ये संस्कृत के चैप्टर को पढ़ना मुश्किल है, बच्चों समझना मुश्किल है। इसलिए जो बच्चे बुक खरीद लिए हैं वो तो अपनी बुक को खोल लें और जो नहीं खरीदे हैं वो लोग खरीद लें। बच्चों, तो देखिए हम लोग शब्दार्थ प्रारंभ करते हैं। प्रथम पाठ, पहला पाठ वाराणसी। शब्दार्थ देखेंगे, सुविख्यात मतलब बहुत प्रसिद्ध, विमल सलिल तरंगाया यानी स्वच्छ जल की तरंगों वाली, कूले यानी किनारे पर, घट्टा नाम यानी घाटों की, वलयाकृति, वलय प्लस आकृति दो शब्द बच्चों इसमें जुड़ा हुआ है, घुमाओं के आकार वाली, राजते मतलब सुशोभित होती है, विलोक्य मतलब देखकर, प्रशंसन्ति यानी प्रशंसा करते हैं, प्राचीन कालाद एव, इसमें तीन शब्द जुड़ा है, प्राचीन कालाद प्लस एव, प्राचीन काल से ही, एव मतलब ही, धोतते यानी प्रकाशित है, सततम यानी निरंतर, प्रवहती यानी बह रही है, निरताह यानी लगे हुए हैं, गीर्वाण वाण्या यानी देव वाणी संस्कृत के, प्रचलति यानी चलता रहता है, वर्धयति यानी बढ़ा रही है, अध्ययनाय यानी अध्ययन के लिए, ग्रहणन्ति यानी ग्रहण करते हैं। वाराणसी यानी बनारस। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, अस्याह घट्टनाम वलयाकृति पंक्ति धवल लायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति, अस्याः घट्टानाश शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशस्यन्ति। बच्चों, सबसे पहले इसका हम लोग संदर्भ जान लें कि कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, आप लोग सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के या संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है। उसके बाद आप जानेंगे कि प्रसंग में क्या होगा, इसमें वाराणसी की स्थिति एवं गंगा के घाटों का सुंदर वर्णन किया गया है।
बच्चों वैसे प्रसंग आपके एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता है, केवल संदर्भ और उसका अनुवाद लिखने के लिए आता है। तो बच्चों हम लोग इसका अर्थ देखेंगे, अनुवाद क्या है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी यानी बनारस, सुविख्याता यानी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया, यह इयम मतलब यह है, विमल सलिल तरंगाया मतलब स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगाया कूले स्थिता, गंगा के कूले यानी किनारे पर स्थिता स्थित है। तो पूरे का अर्थ क्या होगा, बनारस सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। बच्चों ये जो हम आप लोगों को अनुवाद बता रहे हैं इसको आप केवल अभी समझने का काम कीजिए, अभी लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हम आप लोगों को इसका अनुवाद जो है पीडीएफ में बना करके भेज देंगे, उसको आप फेयर अपनी कॉपी में लिखिएगा, इसलिए आप केवल अभी समझने की कोशिश कीजिए इसका अनुवाद। अस्याह घट्टानाम वल्याकृति पंक्ति धवल्याम, अस्याह यानी इसके, घट्टानाम यानी घाटों की, वल्याकृति यानी घुमावदार जो आकृति है, आकृति और पंक्ति घुमावदार आकार की पंक्ति धवल धवलायाम यानी श्वेत चंद्रिकायाम चांदनी में, बहु राजते यानी बहुत सुंदर, राजते मतलब सुशोभित होती है या लगती है। अगणिता अगणित पर्यटका यानी अनेक पर्यटक, सुदूरेभ्य देशेभ्य यानी दूर दूर देशों से, अगणित यानी अनेक पर्यटक, नित्यम नित्य यानी सदैव, अत्र अत्र मतलब यहाँ, आयांति आयांति मतलब आते हैं, नित्य यानी सदैव या प्रतिदिन यहाँ आते हैं, है पे बिंदी रहेगा बच्चों, बहुवचन है ना। अस्याह घट्टानाश्य इसके घाटों की, च मतलब और इसके घाटों की, शोभाम शोभा को, विलोक्य यानी देखकर, इमाम इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहु यानी बहुत, प्रशंसन्ति मतलब प्रशंसा करते हैं, है पे बिंदी। वाराणस्याम प्राचीन कालाद एव, वाराणसी यानी बनारस प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाह यानी विद्या की, दिव्यम ज्योति अलौकिक ज्योति, द्योतते यानी प्रकाशित हो रही है। फिर से देखें पूरे सेंटेंस का, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे यानी घर घर में, विद्याया विद्या की, दिव्यम यानी अलौकिक ज्योति, द्योतते यानी प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि, अधुना अपि यानी आज भी, अपि मतलब भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा, सततम यानी निरंतर, प्रवहती मतलब बह रही है। ज्ञानानाम जननाम ज्ञानाश्च, जननाम यानी लोगों के या मनुष्यों के, ज्ञानाश्च ज्ञान को, चा मतलब और लोगों के ज्ञान को, वर्धयति बढ़ा रही है। अत्र अनेके, अत्र मतलब यहाँ, अनेके अनेक, आचार्या आचार्य, मूर्धन्या मूर्धन्य, विद्वांसः विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक
वांग्मयस यानी वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्ययन अध्यापने चा और अध्यापन में इदानीम इस समय निरता मतलब लगे हुए हैं। फिर से पूरे का अर्थ देखेंगे। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान और वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इदानीम मतलब इस समय निरताह मतलब लगे हुए हैं, ना केवलम भारतीया ना केवल भारतीय अपितु वैदिका वैदेशिका यानी विदेशी भी गीर्वाणवाण्या गीर्वाणवाण्या मतलब संस्कृत भाषा के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्रे आगच्छन्ति अत्र मतलब यहाँ आगच्छन्ति मतलब आते हैं निःशुल्कं च और निःशुल्क यानी बिना कुछ फीस के विद्याम ग्रहणन्ति विद्या ग्रहण करते हैं अत्र हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः इत्येते मतलब ये त्रयः मतलब तीन विश्वविद्यालयः विश्वविद्यालय संति संति मतलब हैं है पे बिंदी येषु जिनमें नवीना नाम यानी नवीन प्राचीनानाश्च यानी और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम अध्ययन प्रचलति मतलब चलता रहता है। तो ये बच्चों रहा इस पैराग्राफ का अर्थ अनुवाद जो है। हम बच्चों जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को इसका अनुवाद भेज देंगे, आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।